हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग लेके आई एक नई रेसिपी। ये रेसिपी है भेजा मसाला रेसिपी। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ भेजा मसाला रेसिपी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लगता है और अगर लगता है और ना भी लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरी रेसिपी आप लोग को कैसा लग रहा है। और मेरे को प्लीज़ सपोर्ट, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरे को भी हर यूट्यूबर, हर छोटे यूट्यूबर जैसे आगे बढ़ाइए। तो यहाँ मैं आप लोग के लिए रेसिपी लेके आई हूँ भेजा मसाला रेसिपी। तो यहाँ मैं आप लोग बता रही हूँ कितना इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेगा, कितने क्वांटिटी में लगेगा, मैं आपको सब यहाँ बताने जा रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने लिया है एक मगज, थोड़ा सा धनिया पत्ता, दो हरी मिर्च, एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर और एक मीडियम साइज़ की प्याज और यहाँ लहसुन का लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैंने साथ में इसे अच्छे से पीस लिया है। तो मैं यहाँ 2 टेबलस्पून यूज़ करूँगी और यहाँ मैं जैसे चाट भी बना रही हूँ तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा रखा है। और यहाँ मैंने यूज़ किया है, ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। इसे हम सरसों के तेल बनाएंगे, ज़्यादा टेस्ट होता है। नॉनवेज आइटम बनाइए आप सरसों के तेल में, देखिएगा उसका टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून सा नमक, 1 टीस्पून सा मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सा मैंने लिया है जीरा पाउडर और 1 पिंच मैंने ली है काली मिर्च पाउडर और यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून सा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है काश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मेरा ऑयल हीट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इसको करेंगे ब्राउनिश, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है प्याज को। हाँ, मेरा प्याज हो गया है लाइट ब्राउन। अब इसमें हम, मैंने जैसे बताया था 2 स्पून का इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, बट थोड़ा संभल के क्योंकि लहसुन अदरक और जब प्याज मिलता है ना तो एक दूसरे से सास बहू वाली दुश्मनी रहती है, वो उड़ने लग जाता है। सास बहू बोलिए या चाहे बोलिए ननद भौजाई का रिश्ता। भौजाई इसलिए बोला क्योंकि ननद भौजाई भी साथ में ना खटकता है रिश्ता ना, इस वजह से। वैसे माइंड मत लीजिएगा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं बस एक कॉमेडी के लिए इसमें यूज़ की हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ भेजा। अब इसको अच्छे से 2 मिनट फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से, मतलब उसका मतलब टेस्ट अंदर खींच ले भेजा के अंदर। ये मेरे 2 मिनट मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने जितने भी सारे सूखे मसाले लिए थे सब मैं इसमें डाल दूंगी और फिर उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ना ये भेजा है ना थोड़ा जल्दी टूटता है, ज़्यादा आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, बट मैंने यहाँ पे 1 फुल टीस्पून लिया था, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने खड़ा हरा मिर्च लिया था, इसको बीच से स्लिट कर लिया था, मतलब बीच से पाँख लगा दिया था, चीर लगा दिया था। अब मैं इसमें डाल दी हूँ, इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, कवर करके 7 मिनट तक छोड़ देंगे और स्टीम एकदम स्लो रखेंगे। ओपन करके देखा तो यहाँ मेरा टमाटर पानी छोड़ दिया है और मगज़ जो भेजा, हम लोग की साइड मगज़ बोलते हैं इसको, भेजा ना, देखिए टमाटर जो पानी छोड़ा है भेजा अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद उसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, वो पानी पूरा सोख लेगा अच्छे से। और फिर गैस को धीमी आँच पर रखना है और उसके बाद 15 मिनट आप चेक कीजिएगा कि पूरा अच्छे से पानी सोख लिया है, फिर आप उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या बना रहे हैं, हम भेजा मसाला, तो मतलब मसाले से लटपटदार ग्रेवी वाला भेजा आपको नहीं बता रही, मैं यहाँ पे मसाला भेजा मसाला बता रही हूँ। तो अच्छे से जब इसका ग्रेवी अब्सॉर्ब कर लेगा उसके अंदर भेजा, तो आपका मतलब समझे कि रेडी हो गया है। तो देखिए मेरा भेजा मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर जो मैंने चॉप किया था हरी मिर्च, 2 तो मैंने बीच से फाक लगा के मैंने डाल दिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लुक और थोड़ा टेस्ट, मेरे घर में थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं लोग, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर रही हूँ। अब देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है इसका टेस्ट, ओ माय गॉड, सबको ही आपको ऐसी मतलब कॉम्प्लीमेंट देंगे। अब ये रेडी हो चुका है, अब गैस को करेंगे ऑफ और सर्व करेंगे और खुश करेंगे अपने फैमिली वाले मेम्बर को।